को अस्सलामुअलैकुम और ऑलपर्स की प्यारी ईद एक्सप्रेस पर इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में ईद मुबारक। चलो अब की बार फिर से एक ऐसी ईद मनाते हैं, खुशी खुशी नए कपड़े पहने नमाज़े ईद को जाते हैं, कपड़े दिखाकर सलाम के बहाने कुछ ईदी लेकर आते हैं, दूर परे मोहल्ले से कुछ झूले लेकर आते हैं, पास ही किसी दुकान से कुछ तोहफे जीत के लाते हैं, चलते हैं किसी खाला के घर कुछ मीठा खा कर आते हैं, भूल करके नए कपड़े हैं ये कुछ भागा दौड़ी लगाते हैं, दाग लगे इन कपड़ों को चलो अम्मी से छुपाते हैं, बातें करते हैं ढेर सारी फिर थक के कहीं सो जाते हैं। चलो अब की बार फिर से एक ऐसी ईद मनाते हैं और ऐसी ही ईद हम आज भी मना रहे हैं। वो खूबसूरत सा महीना जो हमने गुजारा बहुत सारी इबादतों के साथ, बहुत सारा प्यार बांटते हुए, बहुत सारी नेकियां कमाते हुए, और फिर ये तोहफा मिला इस प्यारी सी ईद का। ये मीठी मीठी ईद है और इस मीठी ईद को कैडबरी ओकेजन्स जैसे तोहफे और ज़्यादा मीठा और प्यारा बना देते हैं। आइए आज वही बचपन वाली ईद मनाएं कि जिसमें बहुत सारा खाना होता था और बहुत सारे मेहमान होते थे, खाना कभी कम नहीं पड़ता था क्योंकि दिल बहुत बड़ा होता था, घर कभी छोटे नहीं लगते थे क्योंकि दिल हमेशा बड़ा होता था, मेहमान कभी बोझ नहीं लगते थे क्योंकि दिल हमेशा बड़ा होता था, और पड़ोसियों के घर जाना, पड़ोसियों के घर खाना भिजवाना, मोहब्बतें बांटना, मोहब्बतें समेटना, और सबसे प्यारी बात घर के बड़े भी हों और घर के बच्चे भी हों, यही है वो रौनकें जिनके बच्चे ना हों, जिनके बड़े साथ ना हों, वो इन सब चीज़ों को मिस करते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी कोई भी चीज़ मिस करें। तो आज मैं आपको इस पहले दिन ईद के जिस फैमिली से मिलवाने वाली हूँ, जिन मेहमानों से मिलवाने वाली हूँ, वो अपने घर की बातें, वो अपने बचपन की ईद, वो अपने बड़ों से मोहब्बत, वो अपने बच्चों से शफकत और घर का सारा हल्ला गुल्ला सब शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलें जी बाकी की गपशप अपने मेहमानों के साथ ही करते हैं। ईद बेमज़ा है अपने बड़ों के बगैर, और आज मेरे मोहतरम, मेरे बड़े, मेरे बहुत प्यारे, मेरे फेवरेट आ गए हैं यहाँ पर। आप जो मियाँ जी हैं उनसे तो मिलते रहे हैं मेरी रमज़ान ट्रांसमिशंस में और शोज में, बट आई एम सो एक्साइटेड कि आज अपनी प्यारी सी बहुत ही प्रिटी वाइफ को भी साथ लेकर आए हैं। तो आप सबके बहुत ही पसंदीदा, हम सबके पसंदीदा बहरोज सब्जवारी और सफीना शेख, अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया, आइए प्लीज बैठिए जहाँ बैठना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ईद, मीठी ईद इतनी मीठी बना दी। मुझे लगता है पर्सनली कि घर में अगर बड़े ना हो तो ईद का मजा ही नहीं आता। बेशक। तो मेरे अम्मी अब्बू का घर हो या मेरा ससुराल हो, ईद बड़ों से होती है, कोई शक ऐसा ही है ना। और फिर बड़े आप जैसे हो जो बड़े लगते ही ना हो रोजाना कम उम्र लगते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वैसे मेरी उम्र वैसे भी कम है, बिल्कुल कम है, जाहिर है। और आपने अभी अनाउंसमेंट किया कि चीफ लाते हैं बहरोज सब्जवारी और सफीना शेख। ये सफीना बहरोज है, 37 साल हो गए, लेकिन हम इनको क्यों सफीना शेख मुंह से निकलता है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जावेद शेख की वजह से, उनकी वजह से। अच्छा मुझे ये बताइए कि घर में इनके चुटकुले और सब चीजें, तो ईद की रौनक बच्चों से है या इनसे है? बच्चों से। बच्चों से, लो जी। नहीं तो आपको भी घर में कैसे हो सकता है चुटकुले? घर में तो नहीं होते। नहीं तो भाई चुटकुले नहीं होते घर में? नहीं नहीं चुटकुले कैसे होंगे घर में, इतनी लवाजमात होते हैं कि चुटकुले का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा भाई हम ईद के पहले दिन क्योंकि यहाँ मौजूद हैं, तो मैं बड़ा चाहती हूँ कि हमारे लोग भी जानें कि ये ईद पर इनके लिए क्या चीज़ें बनती हैं खास, या आप लोग के घर में ईद का एहतमाम क्या है, किन लोगों के साथ ईद मनाते हैं? हमारे घर में लंच होता है हमेशा से, ग्रैंड लंच जी, पूरी फैमिली, फैमिली दोस्त है बाप, पूरा दिन सब लंच पे भी और चाय पे भी
सब आते रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत हम एहतमाम उसका किया जाता है। यानी वो कोई टाइम नहीं होता, वो चलता रहता है, लोग आते रहते हैं। और आपकी कोई खास फरमाइश होती है सफीना जी से कि भाई ये बना देना? नहीं, वो पुलाव तो जरूरी है। यखनी पुलाव भी बने, पुलाव मटन का जी, मटन का पुलाव होता ही मटन। आ रही हूँ मैं आज आपके घर। अच्छा, और पुलाव के साथ? पुलाव के साथ कुछ चाइनीज है, कुछ साथ में हर तरह का खाना, लेकिन पुलाव के साथ आलू गोश्त। आलू गोश्त क्या बात है भाई, हम पंजाब से ताल्लुक है ना, तो आलू गोश्त के बगैर तो आलू गोश्त के बगैर तो मजा ही नहीं होता, मजा ही नहीं होता फिर। अच्छा, और ये हो गया, मीठे में क्या चीजें होती हैं? शीर खुरमा भी होता है, वो तो पूरे पाकिस्तान, जैसे रमजान में पकौड़े फर्ज हैं जी, वैसे ये फर्ज है हमारे। वो सब मुझे मजाक में कह रहे थे कि जरा अपने ट्रांसमिशन में बताएं, हिना ख्वाजा बयात आई हुई थी, कहती हैं प्लीज इनको बताओ कि मुसलमानों तुम पर रोजे फर्ज हैं, पकौड़े नहीं। तो ईद पर जो है हमारे पास शीर खुरमा जो है ना। अच्छा भाई, बच्चों के बगैर, जैसे इन्होंने कहा कि रौनक बच्चों से है, तो हमने कहा कि इनकी रौनक इनसे दूर तो रख नहीं सकते, तो इनकी रौनक को अपने पास इसी घर में, देखे मेरा तो यही प्यारा घर है, तो मैं सबके घरों की रौनकें, सबके घर के बड़े सब यहां जमा करूंगी ताकि आपकी ईद मजेदार गुजर सके। तो बड़े आ गए हैं, बच्चों को भी बुलाते हैं, और पुर रौनक ईद एक्सप्रेस वाले अपने घरों में बैठकर एंजॉय करें, साथ में आप भी यखनी पुलाव का माहौल सजाएं, शीर खुरमे आप भी टेबल पर सजाएं, क्योंकि मेरे दो बहुत फेवरेट, और मैं सबको कहती हूँ ये मेरा फेवरेट कपल है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि इन्होंने दुनिया के सामने लड़कर अपनी मोहब्बत का इजहार करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर एतमाद करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, और एक दूसरे की सबसे बड़ा पिलर बन जाएँ सपोर्ट का, और ये बने। और माशाल्लाह रिसेंटली उमरा करके आए हैं रमज़ान में, मैंने इन दोनों को उमरे की मुबारकबाद दी, दोनों क्या माशा खूबसूरत लग रहे हैं, जो मदीना से पिक्चर्स आई, सो मैं मेस्मराइज हो गई थी, और मैंने कहा कि इन्होंने अपना रमजान वाकई बेहतरीन तरीके से गुजारा है, और इनको ईद मुबारक कहना जरूरी है मेरे इस घर में। शहरोज एंड सदफ का वाला है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, उमरा मुबारक, उमरा मुबारक, आइए प्लीज बैठिए, इनसे तो आपकी मुलाकात होगी। आज मुझे इन गेस्ट को इन गेस्ट से बुलाना नहीं पड़े, मिलवाना नहीं पड़ेगा भाई, ऑफिशियली पहली बार ये हो रहा है। मैं जरा न्यूज़ एंकर मेरी जाग जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फैमिली आई गेस पहली दफा सब शो पर साथ आए, क्या बात है, वंडरफुल भाई। तो भाई देखें, आप फॉर मी बहुत शुक्रिया भाई। देखें, इनके घर काका हुआ, अनाउंसमेंट मेरे शो पे हुई। तो बहुत कहीं ना कहीं लिंक है भाई, ठीक है ना। तो माशाल्लाह ये मेरे शो पर यहाँ जो आज साथ बैठे हैं, ये मेरे लिए क्या, आप सबके लिए साथ बैठे हैं, ताकि आप पूरी फैमिली जो मिलकर हमारा ये शो देख रहे हैं, ज़रा हम फैमिली वाली गपशप करें भाई। मैंने सफीना जी से भी और बहरोज साहब से भी पूछा कि रौनक किसकी वजह से है, तो आप लोगों से तो पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक रौनक आ गई है घर में, इनकी वजह से, इनकी वजह से ऑफकोर्स है। अब वो जो छोटी आ गई हैं, जिनकी प्यारी वीडियोस हम देख रहे हैं, कितना वो पालू बेबी लग रहे हैं, जो अपनी टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं। जी जी जी, आपने देखी थी वो? बिल्कुल, चावल जो खा रहे हैं, चावल उसको बहुत पसंद है, डेली यही करती है, और उसके लिए अब चावल स्पेशल बनते हैं। क्या बात है, ताजे बनते हैं, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है भाई, वो तो जानदार बच्ची बनेगी, बड़े अच्छे बोन्स मजबूत हो जाती है, और वो खाती है प्रॉपर। अब उसने पहले वो कुछ भी अगर चावल नीचे पड़े हो तो सीधा मुंह से ऐसे खाती थी, अब उसको समझ आ गया कि हाथ ही से उठा के खाना। वो असल में इफ्तारी करती है हमारे साथ, तो वो साथ बैठती है, जाहिर है, क्या बात है। तो ये लोग उमरे पे गए हुए थे, तो हमारे पास आपके पास थी ना, क्या वो कम और जरा सा तक नहीं किया उसने। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं इंशाल्लाह अभी ईद के तीसरे दिन जो है उमरे पे जा रही हूं, माशाल्लाह, और मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूं, और मेरा ये पहला उमरा है। अरे मेरे पास जब पहली दफा पैसे जमा हुए तो आई थॉट कि मैं हज पे जाऊं, बट व्हेन आई वेंट होम मैं ये नहीं कह सकी कि मुझे हज पे जाना है, मैंने कहा अम्मी आप और अब्बू हज पे चले जाएं, वो अल्लाह ने निकलवाया मुझे, वो हुआ। फिर दूसरी दफा फिर पैसे जमा हुए तो मैंने कहा यार चलो सब उमरे पे चलते हैं, फिर घर जाके मैंने अम्मी से कह दिया कि आपको किसके साथ उमरे पे जाना है, तो उन्होंने भी मेरा नाम लिया, उन्होंने कहा तुम्हारे भाई के साथ जा रहे हैं, मैंने कहा चली जाए। अब इस दफा फाइनली मैं और मेरे मियां उम्र में जा रहे हैं, तो जरा मुझे बुलावा आता है। हाँ, तो जैसे आप लोग ने अपनी बच्ची को छोड़ा यहाँ दादा दादी के पास, तो मैं भी दादा दादी के पास बच्चे को छोड़ के जा रहा हूं। जॉइंट फैमिली का फायदा यही फायदा है, और ये जितने हमारे चैनल है जी बिल्कुल तौर पे एक्सप्रेस चैनल और बाकी पाकिस्तान,
उसमें दिखाया ही जाता है कि यही खूबसूरती और ये फुकदान है यूरोप में, ऐसा ही है और अमेरिका में या फैमिली जब बच्चे नैनीज के पास होते हैं तो फिर पेरेंट्स बड़ी उम्र में ओल्ड एज हो गए होते हैं, तो वो दोनों तरफ से एक बड़ा एक खला है जो पूर्ण नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो फैमिली की, मैं कहती हूँ साथ रहें या अलग रहें, बस मोहब्बतों से रहें, ऐसा ही है ना उसका, लेकिन जो यूनिट को संभालती है मुझे लगती है वो औरत संभालती है, तो आपकी अहलिया का कितना रोल है इसमें? इन्हीं का रोल है, रोल समोसा सब। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये अपने भाइयों को भी लेके चलती है, माशाल्लाह पांच हमारे पांच साल हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत, एक से एक बढ़ के, एक से एक बढ़ के। और ये सफीना सबको जोड़ के रखती है, यानी हमारे खानदान वाले जो है ना, जो इसके ससुराल वाले बनते हैं उनको भी सफीना जोड़, मतलब ससुराल और मैके को दोनों, ये कितना मुश्किल है पहले ये तो बताएं। नहीं मुश्किल नहीं है, ये आसान है, बहुत आसान लगता है, इसके लिए दिल अच्छा चाहिए, दिल अच्छा चाहिए। अच्छा भाई एक ही दिन दावत होती है ससुराल और मैके की या अलग अलग दिन? नहीं मैं सबको साथ बुलाती, सब साथ, सब साथ, और झगड़े नहीं होते, एक ही दिन आए, जो गंद होना है जितने बर्तन गंदे हो रहे। मुझे ये बताएं शहरोज की हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट कि फैमिली पूरी इतनी सपोर्टिव हो। भाई कहीं बच्चे कभी कुछ अच्छा कर रहे होते हैं प्रोफेशनली भी पर्सनली भी, कहीं कभी कुछ गलत भी कर रहे होते हैं, माँ बाप का साथ होना और फिर ऐसी बेगम का साथ होना जो यू नो एवरी गुड एंड बैड शी इज़ देयर, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट एंड हाउ डज इट अपलिफ्ट यू? आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स एंड अ गुड वाइफ, बिकॉज आप जब जैसे मेरा काम है, जैसे मैं शूट करता हूँ या कुछ है, तो वो उसकी कोई टाइमिंग्स बहुत ऑफ होती है हमारी, एंड यू नो दैट, आपने पूरा महीना अभी रमज़ान ट्रांसलेशन की है, अगर आपका पार्टनर और आपकी फैमिली समझे नहीं आपके टाइम को और आपकी मसरूफियत को, फिर आपकी थकन को, अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे जाके वो कर रहा है कि यार मैंने ज्यादा काम किया है मेरा ख्याल रखो, ऐसा नहीं है। अच्छा टीवी वालों का तो सिर्फ टीवी पे काम नहीं होता ना, बाहर भी सोशलाइजिंग करनी है, मिलना भी है, किसी की दावत में जाना भी है, लोग आएंगे भी, तो कहीं ना कहीं काम चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, एंड उसमें ऑब्वियसली अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, सीरियसली सीरियसली इसमें कोई दो बातें नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं भाई, ये तो चले बिल्कुल बिल्कुल जी, असल में दुनिया में जो है ना वो टीमें कामयाब होती है, याद रखिए, अकेला नहीं कोई बंदा, जैसे एक्सपेक्स की टीम है, पूरी टीम है भाई, ये मैं कहती हूँ मेरा एक कैमरामैन बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं अर्ज यही है, टीमें कामयाब होती है, अल्लाह मियां वाहिद जात है जो अकेला कामयाब है, बेशक बेशक, सारे ड्रामे सारी फैक्ट्रीज सारी कंपनीज टीमों की वजह से चलती है, तो अल्लाह करे पाकिस्तान को इंशाल्लाह भी टीम अच्छी मिल जाए। बिल्कुल हाँ, बस हमें कोई लीडर अच्छा मिलता है तो उसकी टीम निकम्मी होती है, कोई टीम अच्छी मिल जाती है तो पूरा लीडर निकम्मा होता है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह भाई, हम दुआ करें भाई। मुझे ये बताएं आज सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों को है और हम इस चीज से दूर नहीं रह सकते, वो है महंगाई। महंगाई किस तरह इफेक्ट कर रही है बहरोज एंड फैमिली को, ये जरा बताएं, आपसे शुरू करते हैं फिर। मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल मैं ग्रोसरीज से शुरू करता हूँ। अच्छा। पिछले साल अगर मैं 50 रुपए की ग्रोसरी लाता था महीने की, अब वो 150 रुपए की आती है। ऐसा ही है। बस ये फर्क टू टाइम्स डबल। हाँ जी। आप लोग खुद जाते हैं निकलने जी, ग्रोसरी लेने खुद जाते हैं? अच्छा दोनों मियां बीवी जाते हैं कि ये लग जाते हैं, इनके पास टाइम है तो ये लेते हैं, वरना ज्यादा मैं लेती हूं। जबरदस्त, तो आपको भाव ताव सारे पता है कि भाई दाल इतनी महंगी हुई, आटा इतने का हो गया। बिल्कुल, वो तो जब आप हिसाब करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है ना, यार पिछले सितंबर में तो ये पैसे थे और इस दफा अप्रैल में ये पैसे है, तो ये तो बिल्कुल पता चल जाता है। और मैं उस दिन किसी से कह रही थी कि भाई अगर इस वक्त पाकिस्तान में आपका दस्तरखान और टेबल वैसा ही है जैसा पिछला साल था, करम है उसका, तो आप अल्लाह का हर लम्हे शुक्र अदा करें, बेशक, बिकॉज़ इस वक्त वो लोग जो सफेद पोश हैं व्हाइट कॉलर, वो तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। और देखिए रमजान में कहा जाता है कि जो गरीब है उसकी मदद की जाए, जो भूखा है उसको, बिल्कुल ऐसा ही भाई पूरे साल यही करना है, बल्कि ईद में सबसे ज्यादा पूरे साल करना है, पूरे साल ये इसका तहिया करें। हाँ। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे साल मदद करनी है क्योंकि बहुत मुस्तहकीन है। बिल्कुल ऐसा ही, अपने इर्द गिर्द देखना, सबसे ज्यादा तो क्लोज फैमिली में देखना, फैमिली में देखना, सबसे ज्यादा हक भी उन्हीं का है दीन में। अच्छा मुझे बताए, ये तो भाई ग्रोसरी में एक दूसरे का हाथ बटाते, तो मुझे लगता है इस तरफ जिम्मेदारियाँ बहुत कम है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई काम शाम नहीं करता, कोई वास्ता नहीं, कोई बिल भरने में जिम्मेदारी, कोई वास्ता, अब्बा को पता होता है सब, सब मुझे यार ये क्या बात है,
मुझे लगता है कि ये we are blessed. We are blessed to have a father like him and a family like this so that आपको देखे जो मेन चीज है वो है एक दूसरे का साथ देना और शुक्र करना. अब आप महंगाई की बात कर रही थी ना, इन्फ्लेशन अगर है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है, लेकिन अगर हम लोग शुक्र अदा करें हर चीज में तो महंगाई कभी महंगाई लगेगी नहीं. अब ये लोग ऐसा कहेंगे कि यार ये बोल रहा है आराम से बैठ के क्योंकि टीवी पे बैठा है तो महंगाई इसको नहीं लग रही. राइट नाउ आई थिंक एवरीवन इज अफेक्टेड. महंगाई अगर आप में शुक्र की ताकत है ना किसी भी हाल में, अल्लाह पाक ने जैसे मेरा मेरी बीवी का हमारे घर पे एक चीज बहुत क्लियर है कि अल्लाह पाक के रहम से मिलता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिलता है, तो वो जो मिलता है उसमें शुक्र है. बिल्कुल ऐसे. तो महंगाई हो ना हो, जो अल्लाह ने देना है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके देना मिल जाता है. अगर महंगाई है तो उसको फेस तो करना है ना आपको. या तो आप बता दें, फिर लोग कहते हैं आप भाई पेट्रोल डलवाना छोड़ दें, काम कहाँ से आ गया. अगर शायद जरूरत पड़े, कोई जरूरत पड़े हल्का फुल्का खिलाया है. लेकिन मेरा जो आई थिंक व्हाट माय मुझसे जब खाना खिलाने की बात हो, अगर मेरे ऊपर डाल दिया जाए तो मैं कर लेता हूँ. जैसे अगर कोई और रास्ता नहीं है फिर कर लेगा तो मैं कर सकता. देखो अभी ज़ारा तो छोटी है ना, तो वो डिमांडिंग नहीं होगी. क्या नूरे जबरदस्ती काम करवाती है कि बाबा आई वांट यू टू डू दिस? माय बॉस. शी इज योर बॉस. शी इज माय बॉस. ज़ारा को बड़ा होने दे. हमारी सबकी बॉस है. बिल्कुल हम सबकी बॉस है वो. माशाल्लाह. कोई नहीं सुनेगा काम ना. अगर कोई नहीं सुनेगा तो मेरे पास आएगा. कहेगी मम्मा को बुलाएं. व्हाट डज शी कॉल यू? सदफ. क्या बात है सदफ. करेक्ट सदफ, जल्दी से ही काम कर. अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने एज पूरी फैमिली, आप लोगों ने कभी ये बैठ के बात नहीं की, जब ज़ारा आई घर में और नूरे ने फर्स्ट टाइम ज़ारा को देखा, वो वाले इमोशंस क्या थे? आई थिंक वो घर पे आने से पहले हॉस्पिटल में देख लिया था. ओके. पहले वो दूर दूर थी. पहले उसने उसका आने से पहले पूरा कॉटफुट सेट किया रात को. ओए क्यूट. माशाल्लाह. पूरा हमारा वीडियो है. उसने पूरी कॉट सेट की, उसकी चीजें, उसका बैग हेल्प की मेट के साथ मेरे साथ. माशाल्लाह. तैयार किया और सीधा, मतलब वो तो उसको पता था, लाइक उसको शी वाज जस्ट वेटिंग के सदफ कब बोलेगी दैट मुझे हॉस्पिटल जाना है. सो नूरे वाज वेटिंग. सदफ ने बोला कि मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल चलते हैं फिरोज, तो नूरे वाज लाइक बाबा अच्छा जब मैं सो के उठूंगी तो ज़ारा आ चुकी होगी. ये वो. मैंने कहा आप आराम से सो, जब ज़ारा आएगी मैं आपको गाड़ी भेजूंगा, वो गाड़ी आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले आएगी. अच्छा भाई, ज़ारा नाम किसने चूज किया? पापा ने. अच्छा, क्या आपका कोई थॉट प्रोसेस भाई बच्चे का नाम रखना? देखिए हम लोग इतने खुश नसीब है एज ए फैमिली. सैयदा जहरा उसका नाम. क्या बात है, सुभान अल्लाह. 10 मुहर्रम को 12:07 पे वो पैदा हुई है दोपहर. तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है हमारे लिए. जबरदस्त. कोई और नाम सज ही नहीं रहा. क्या बात नहीं, और नामों का बड़ा सैयदा जहरा. आप यकीन करें हर वक्त मुस्कुराती है. क्या बात. माशाल्लाह. उसकी निस्बत जो है ना. क्या बात है. नहीं मुझे मुझे ये इसलिए मैंने नाम का सवाल पूछा कि बहरूज भाई इतना सब चीजें सोच सोच कर करता है ना, कि ये भी बगैर सोचे समझे नहीं हो सकता. बस नहीं, कुदरती तौर पे. वरना तो बहुत से नाम जहनों में थे, सबके होते हैं, भी जहन में इनके जरा इंग्लिश नाम होंगे ना. अंशरा, एलिफ, पता नहीं क्या क्या सोचा होता ऐसा ही है. मैंने भी अपनी बेटी के बड़े सारे नाम सोचे थे, तो मेरे मियाँ ने मुझे कहा, उबैद ने कहता बेटा अंग्रेजों क्या पैदा अनाबिया जन्नत का दरवाजा. उसने कहा भाई यही दरवाजा बनेगी, इसी के दरवाजे से निकल जाएगा. अच्छा भाई मुझे ये बताएं, रमजानों में क्या रूटीन रही थी खानों की? क्या ऐसे खाने खाए थे, पकौड़े समोसे वगैरह? हमारे यहाँ खाना नहीं बनता,
क्योंकि हम सिर्फ अफतारी करते हैं। अफतारी में जो खाना है, अच्छा बस मतलब ये नहीं है कि घर एक डिनर में बन रहा है, नहीं बिल्कुल अफतारी में सब खाना है वो अफतार के टाइम खाना है, किसी दिन खाना भी खाते हैं उस अफतार में, जैसे खाना बन गया लेकिन पकौड़े समोसे वो लाजमी, दही बड़े चाट पकौड़े ये सब लाजमी। तो क्या वेट गेन वाला वो सिलसिला रमजान तो ये बाद में 3-4 दिन बाद पता चलेगा कि क्या हाल निकलता है। अच्छा वैसे एक दूसरे को तंग करते हैं इस बात पे कि भाई वेट गेन हो गया है तो जरा कम करें या क्या होता है कुछ? ये तो और बहुत सी चीजें हैं तंग करने के लिए। जैसे कि और क्या हाल है? ठीक ठाक। मुझे बताएं ये यहाँ पर कुछ होता है कि भाई कभी फरमाइश की कि यार ये चीज बना दो, या आपने कभी फरमाइश की हो कि मुझे यहाँ ले जाएं खाना खिलाने? ये वाला रमजान हमारा बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में गुजरा है, उम्रे पे थे, हमारी इफ्तारियां जो वहाँ हुई है वो तो हम क्या बताएं, क्या बताएं हम, अल्लाह ने अपने घर में बुला के और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबी में हमने जो इफ्तारियां की, तो फिर उसके बाद हम जब मैं उम्रे पे जाने से पहले हम कराची में जब थे तो इफ्तार पे भी मेरा डाइट खाना ही बनता। अच्छा, डाइट ही बनता तो मैं रोजा उसी से खोलता। कभी सदफ तंग आ जाती है कि यार बस करो शहरोज, डाइट नहीं बस इसका, ये बिरयानी खाओ। सपोर्ट्स मी अ लॉट विद डाइट। अच्छा ओके। हां, शी इज नॉट वन ऑफ दोस के जो बोलेगी नहीं डाइट नहीं करो, क्यों ये कर रहे हो, ये खा लो। शी इज लाइक अच्छा तुम ये अपना ख्याल करते हो, बताओ क्या चाहिए। अच्छा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके डाइट का ख्याल करती है। लेकिन उम्रे पे मैंने कोई डाइट नहीं की। नहीं यार, वहाँ के खाने पे कहाँ डाइट, वहाँ तो वैसे ही इतनी एक्सरसाइज हो रही है। अच्छा यार, उम्रे से रिलेटेड एक और बड़ा सवाल है, हम ना इसको थोड़ा सा हम मुझे लगता है हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन मदीना की शॉपिंग बड़ी जबरदस्त है, बल्कि कहते हैं अगर मदीना से गोल्ड खरीदे उसे बरकत बहुत है, तो कुछ दिलाया कुछ? देखिये, मदीना मुनव्वरा से आप कुछ भी खरीदेंगे बरकत है, कमाल है। हमने मदीना मुनव्वरा में बहुत शॉपिंग। अच्छा, कसम से। और मैं तो सबको कहता हूँ कि आप मदीना मुनव्वरा जा रहे हो शॉपिंग तो करें, आपने इबादत करें उसके बाद शॉपिंग, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से आप कुछ लाते हैं जब तो वो हर चीज, मतलब शहरोज ने अपनी पसंदीदा चीज खरीदी, वो क्या? मैंने अपना PS5 भी वहीं से लिया। क्या बात है यार, क्या बात है, जबरदस्त भाई। मेरी दुआ है कि जिस जिसका दिल चाह रहा है और जो दिल में दुआ कर रहा है जल्दी से उनका भी ये सफर हो जाए इंशाल्लाह। ईद मुबारक एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को इस प्यारी फैमिली के साथ, मेरी वो जो फैमिली टीवी स्क्रीन के उस जाने बैठी है उसके साथ हम मना रहे हैं ईद की खुशियां। और यही प्यारी प्यारी ईद के शो में छोटी सी ब्रेक का वक्त आया, ब्रेक से वापस आएंगे तो और गपशप इस प्यारी फैमिली के साथ। मीठी ईद, प्यारी ईद में एक बार फिर खुशामदीद। ईद का ये खूबसूरत दिन जो हम मना रहे हैं इस प्यारी सी फैमिली के साथ, और जनाब हम ज़रा परेशान हो जाते हैं कि घर पे क्या बनाना है। जैसे अभी इन्होंने मुझे बताया कि एक तो पंजाबी यखनी पुलाव ज़रूर बनता है, आलू गोश्त ज़रूर बनता है, और फिर मीठी ईद मीठे शीरखुरमे के बगैर कैसे मुमकिन है। तो अगर आप भी बना रहे हैं शीरखुरमा तो आप जानते हैं कि हमारा आज का शीरखुरमा जो मैं सबको खिलाने वाली हूँ वो बना है ऑलपर्स से, और ऑलपर्स की डेयरी क्रीम जो 100% डेयरी क्रीम है और ऑलपर्स का मिल्क हमने इस्तेमाल किया ये ज़बरदस्त शीरखुरमा बनाने में। और अब मैं इनको खिलाती हूँ और ये ज़ायका बताएँ कि कैसा है। स्टार्टिंग विद यू सफीना जी, भाई घर में ये सर्व करेंगे तो फिर जरा बात बनेगी ना, ऐसा ही है ना? शुक्रिया। मुंह मीठा करें और फिर साथ में गपशप करते हैं। भाई अब हम खेलने वाले जरा एक गेम आप दोनों के लिए यहाँ पर सर्व कर देती हूँ। हम यहाँ रख देते हैं, ये लें। थैंक यू। खा लें या पहले रख दें? बिल्कुल मुंह मीठा करें भाई। इज इट गुड? It's epic. चले भाई, क्या बात है, गुड। आप लोग ये खाएं, जरा इनको मैं तंग करती हूँ। एक गेम खेलने वाले दोनों के हाथ में भाई नेवर हैव आई एवर, यानी मैं एक सवाल पूछूंगी, अगर इन्होंने वो काम किया है तो दोनों कहेंगे आई हैव, नहीं किया तो कहेंगे नेवर, और सच सच बताना है भाई, झूठ तो वैसे ही नहीं बोलते ना सारे, नहीं कोई बोलता भाई। पहला सवाल बड़ा आसान सा है, मैंने कभी अटेंशन हासिल करने के लिए खुद को बीमार जाहिर नहीं किया, किया है या नहीं किया? कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो रियल में बीमार होते हैं अटेंशन के लिए, नहीं अटेंशन शूट से छुट्टी लेने के लिए किया। अच्छा, कितनी छुट्टी मिल जाती है वैसे? नहीं, अच्छे लोग हैं हमारे, अगर आप
बोले कि आपकी तबीयत सही नहीं है तो कहते हैं ठीक है आराम करें। डायरेक्टर सुन लो, अगर नेक्स्ट टाइम शहरोज कहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो घर आके देख लेना, अम्मा और अब्बा को कॉल कर लेना, वो सच सच बता देंगे। अच्छा, मैंने कभी स्कूल या कॉलेज का टुल्ला मारा है या नहीं? मारा, बहुत। क्या बात है भाई, ये आज पता चला आप दोनों टुल्ले हो। दोनों टुल्ले मारते थे। अच्छा, वैसे आप लोग के पास वो कार्ड नहीं है लेकिन टुल्ला आपने मारा है? तो दीवारें कूद कूद के जाते हुए हुए किसी कुड़ी को मिलने या वैसे? नहीं, मैं माजरत चाहता हूं। कुड़ी एक ही है। ऐसी कजन्स के लिए किसी ने कजन को छेड़ दिया, ये बड़ा होता है। अरे खामा खाई मार के आ जाता था, आते थे बचपन। और किसके साथ, कौन था गैंग में? और बस ऐसे ही, बस दोस्तों के साथ, स्कूल लाइफ में बहुत। लेकिन हुआ ये, बहुत बहुत कजन्स के लिए मारा है किसी को? दोस्तों के लिए। जबरदस्त भाई, चलें ठीक है। आपने कभी लड़ाई की? चलो वो तो बेचारी कहती है नहीं, मुझे तो सोना है। कभी नहीं लड़ाई की भाई। ये मॉडल्स तो बड़ी मशहूर हैं कि ये बड़ी एटीट्यूड वाली होती हैं, फड्डा कर जाती हैं। मशहूर है, ऐसा कुछ होता। अच्छा, कोई और मॉडल की पब्लिक लड़ाई देखी है सदब ने? वो उसने कहा ऐसी की तैसी, ब्राइट करें। वो तो बैक स्टेज पे बड़ी होती है, होती है लड़ाइयां। हम तो छोटे से ऐसी देख रही होती थी कि क्या हो रहा है, क्यों लड़ रही हैं ये। हमने उनको देख लिया तो हम नहीं करते। अच्छा, मैंने कभी अपने पार्टनर के मैसेजेस पढ़े हैं या नहीं मोबाइल पे? कभी भी नहीं, मोबाइल उठाने का तो सोचा ही नहीं सकता। और हम दोनों के मोबाइल पे हम लोग कोई पासवर्ड वासवर्ड नहीं लगाते। अच्छा, पासवर्ड भी नहीं लगाते भाई? अपने लिए तो वो नहीं, बाहर वालों को लिए तो ना। बाहर किसी को फोन थोड़ी देना है। कराची में देते नहीं है, ले जाते हैं लेना। अच्छा, वैसे शहरों से फोन छीना है कभी? जी। अच्छा, और किस तरह, क्या सीन हुआ? एक बार तो नॉर्मल गन पॉइंट पे छीना था, रोड पे, शारे फैसल पे। अच्छा, एक बार तो कोई फोन होगा के साथ साथ मुझे भी ले गए थे। रियली? यार ये तो मैं सुनना चाहती हूँ। जी जी, शादी के दिनों में, मोमल की शादी के दिनों में मैं घर आ रहा था, लेट घर वापस आ रहा था। शादी के बाद हुआ? नहीं नहीं, मोमल की शादी, मोमल की शादी, मैं शादी शुदा नहीं था। 2010 की बात। जी, 2010 की बात है। तो बस उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, वो व्हाइट करोला गैंग बहुत मशहूर था, उसका उन्होंने मुझे रोका। मैं समझा कि मुझे किडनैप करे, लेकिन वो किया उन्होंने बस वो वक्ती किडनैपिंग थी, वो उनको चीजें ही चाहिए थी। अच्छा, लेकिन उन्होंने बेसिकली मुझे लेके घूम रहे थे पूरे कराची में, एटीएम मशीन्स जा रहे थे, चेंज कर रहे थे एटीएम मशीन बार-बार। दो कार्ड थे मेरे पास, उन्होंने कहा दोनों यूज करेंगे। फिर घड़ी थी, वो पापा ने मुझे गिफ्ट की थी, वो चली गई। सब कुछ चला जाए, जान से बढ़कर बट वो मुझे याद है, वो काफी बड़ा था, काफी उससे मैं काफी फिर स्ट्रेस में भी रहा काफी दिन, क्योंकि कोई आपसे कुछ ले जाए तो नहीं, आपको साथ ले जाए तो वो काफी। मैं इसको फोन कर रही हूँ और वो बंदा उठा रहा है। ओ गॉड, तो अम्मा के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। नहीं, कमाल की बात ये थी जो इसने हाजिर दिमाग से, इसको पहचाने नहीं वो। अच्छा, ये अल्लाह का करम हुआ। जबरदस्त, मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो बैंक में हूँ बेचारा। हाँ, बैंक में नौकर हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, ऐसे ही होता है। 30,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, मैं तुम्हें क्या दूं यार। लेकिन वो बड़े स्मार्ट थे, वो भी, वो जाते थे एटीएम मशीन लेके जाते, एटीएम लेके गए, एक बंदा उनके साथ गया। अच्छा, वो बट खैर, चलो भाई, अल्लाह ने हिफाजत की। और माओं का मुझे लगता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा खौफ, बेटा बाहर जाता है, बच्ची बाहर जाती है, तो यही होता है कि आयतुल कुर्सी नहीं पड़ी तो पूरा दिन टेंशन में रहती है कि पता नहीं, ये बापों का, बापों का भी बहुत दिल होता है। अच्छा जी, जरा इस तरफ वो करते हैं और मैं आपसे, शुक्रिया बहुत अच्छा। नहीं, आप लेकिन ये कंटिन्यू कर सकते हैं खाना। शीर खुरमा जबरदस्त था। क्या बात, अब तुम लाइक खा लो शीर खुरमा। अब आप लोग अपना शीर खुरमा एंजॉय कीजिए, यहाँ से भी आप कोई चीजें ले सकते हैं। बल्कि आप लोग कैडबरी ओकेजंस का जो बॉक्स है यहाँ पर, चॉकलेट बॉक्स, ये यहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हैं और घर भी लेकर जा सकते हैं। एक बॉक्स नोरे के लिए भी लेकर जाए, जारा के लिए भी लेकर जाए। अच्छा जी, आ जाए, आपसे पूछते हैं। मैंने कभी किसी अजनबी को लिफ्ट नहीं दी, वहां से तो मुझे पता है ये जब सवाल के कोई टेंशन ही नहीं, आप बताएं। किसी खूबसूरत खातून को देखकर सी व्यू के रोड पे कोई खड़ी, अक्सर जब मैं नमाज के लिए जाता हूँ और वक्त कम होता है,
तो सड़क पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदल पहुंचते हैं, तो मैं उनको बिठा लेता हूं। क्या बात है भाई, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आपका तो ऐसा कोई है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अजनबी से लिफ्ट ली कभी? कभी भी कभी नहीं, भी नहीं। मैं टाइप ही नहीं हूं वो। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, मैं कभी ऐसी सिचुएशन में जहाँ बिल्कुल हंसना नहीं होता, मैं वहां पर हंसा या हंसी? बिल्कुल हंसना नहीं था लेकिन हंसी निकल गई। पापा मेरे, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कोई हंस रहा हो तो पापा उसे भी रुला दे। क्यों हंस, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, अगर सिचुएशन कोई कभी दोस्त कोई एम्बैरेसिंग वाली है, दोस्त कोई दुख भरी कहानी सुना रहे और आपकी हंसी निकल गई, अंदर से निकल जाती है लेकिन दुख भरी कहानी सुन के उसको सपोर्ट करना कोई अपने, मेरा ख्याल है कोई अपनी शादी के बाद के गम बता रहा हो और आपकी हंसी निकल गई हो, है तो वो ऐसा मूवमेंट ना, क्या शादी के बाद तो सबको ही गम एक जैसे होते हैं, उसमें क्या है? आप बताएं। मेरा ख्याल है कि होता होगा कभी, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। कभी इन्होंने अपनी कोई टेंशन बताई और आपकी हंसी निकल गई हो, क्या पता चला तुम्हें? नहीं सकता। ऐसा कभी हो जाए बैरोस की टेंशन में मैं हंस जाऊं, मैं खत्म ना हो जाऊं? यार आप बड़े खतरनाक किस्म के मियां, सोच लो। कोई ऐसी चीज होती थी जिसपे आपने एक रूल बनाया हुआ था कि भाई अगर ये किया ना शहरोज ने तो मैं इसकी पिटाई लगा दूं? नहीं, कुछ भी, कुछ भी नहीं, कुछ हाथ ही लगा, कोई रूल, कोई गुड कॉप बैड कॉप था शहरोज के लिए? बैड कॉप ये थी और गुड कॉप आप, के लिए तो आप लगाती थी? नहीं, ऐसा नहीं थी, मैं हमारे दोस्तों की तरह, मेरा मैंने कभी इसके लिए वो नहीं सोचा। लेकिन आपने चमाट मारे? नहीं नहीं, रिमोट वगैरह मारे, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, सिर्फ चम्मच से पिटाई लगाई, चावल निकालने वाले चम्मच। अच्छा मुझे मेरी पिटाई जो हुई मैं आपको सुनाना चाहूं। हाँ बताएं मुझे। मेरे वालिद साहब मरहूम जी, मैं मेरे ख्याल से थर्ड क्लास में था, तो मुझे विंडो की स्पेलिंग याद है। विंडो की स्पेलिंग सुन तो लो, जमाना सोचे कौन नहीं आसान वाली, मैं कह रही हूं वो अगर स्पेल करें। हां अब्बा ने मुझे याद कराई कि बेटा याद कर लो, WINDOW, WINDOW याद करता रहा, दिमाग कहीं और है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। क्या विंडो से बाहर जाना है मुझे तो? जी वो डब्लू ओ नहीं आई। उन्होंने कहा बेटा ये लिखो, इसको 50 दफा लिखो, लिखो, लिख रहा हूँ, विंडो से बाहर देख रहा हूँ। बेटा आप बताओ। हाँ जी आ गई, WIE आज तक याद है, हमारे पूरे खानदान को याद है। बच्चा बच्चा विंडो की स्पेलिंग याद करके पैदा होता है। जिस तरह की बातें करते हैं, बातों से दिल जीतने वाले इंसान हैं। आप मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि कोई औरत पीछे पड़ गई हो, इनकी तरफ से ना हो लेकिन कोई बंदी पीछे पड़ गई? अरे औरतें यार, लड़कियां क्या करती हैं आप? मेरे ख्याल है मेरे सामने तो कोई नहीं पड़ी बगैर मुझे। अरे वो कोई पागल औरतें जो तुम्हारे सामने? मेरी बगैर पड़ी हो तो मुझे नहीं मालूम, खुद ही निपटा लिया होगा। आप यकीन करो राबिया, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, असल में नजर जो है ना, नजर आपकी वो उससे फर्क पड़ता है। सिक्स सेंस बड़ी तेज होती है खवातीन की, और जितनी भी खवातीन के साथ मैं काम करता हूँ, कसम खुदा की मेरी उनसे दोस्ती है, बिल्कुल माँ बहन। क्या अल्लाह का बड़ा एहसान है, जबरदस्त जबरदस्त। इसमें और उनकी भी दोस्ती है, मेरी भी दोस्ती है, सारी मेरी दोस्त है, बहुत करीबी। जरा सदफ से पूछते हैं, सदफ क्या कहती है, यार शेरी इसके साथ करो ड्रामा, ये अच्छा है या खुद? आपने मेरा निकनेम लिया सदफ, एक्चुअली कॉल्स मी शेरी। वो मुझे पता है, वो शेरी कहती है आपको हमेशा। तो शेरी को क्या सजेशन देती है कभी, या अभी देना चाहती है सजेशन? आई थिंक सबके साथ करता है तो मजा आता है मुझे देखने में। और वन एक्ट्रेस दैट यू रियली वांट टू सी, यमुना के साथ। हां यमुना के साथ, क्या बात है भाई, एक ड्रामा बना दो डायरेक्टर्स जिसमें यमुना भी हो और सज्जल भी हो। आजकल ड्रामों में दो लड़कियां तो होती हैं, महंगा हो जाएगा भाई। कोई बात नहीं, लेकिन सारी लड़कियां किंजा है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इतनी बच्चियां हैं, कितना अच्छा काम कर रही है। अच्छा, और बहुत मुझे लगता है अच्छी फैमिली से बच्चियां आ रही हैं। और बड़ा कोई एक बात करना, अभी आपने बताया आप उम्रे पे तशरीफ ले जा रही हैं ना? बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह पाक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एक खास बात नाजरीन को बताना चाहता हूँ राबिया की, जो बहुत मुझे यकीन करें टच किया जी। इनका जो निकाह नामे में जो लिखा जाता है ना हक महर, राबिया ने उसमें लिखवाया था हज। यस क्या बात है, बिल्कुल
बिल्कुल है, बल्कि मेरा मियां कहता है मेरा हक मेहर महंगा होता जा रहा है। यार ये कितनी अच्छी खूबसूरत बात है, क्या बात यार, ये होना चाहिए। तो जो मौलवी साहब थे वो थोड़े से वो हो गए, कहने लगे भाई मैं हज नहीं लिख सकता, मैं रकम लिखूंगा। तो मेरे अब्बा ने कहा मेरी बेटी ने कह दिया है, वो तो निकाह नामा। अरे क्या बात है, जब लेकर आए घर पे तो मैंने कहा कैसे फंसे, अब हज कितना महंगा हो गया। वो कह रहे यार ये क्या हक मेहर है, हर साल जो है ना मैं गरीब हो रहा हूँ और मेरा हक मेहर ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन मैं उसको ये तंग करती हूँ कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने हक मेहर देना है, तुम मुझे हज कराओ, मैं तुम्हें हज करा दूंगी। कितनी अच्छी बात है यार, ये कितनी लोगों के लिए इस पे अमल करना चाहिए कि आप पैसे लिखा रहे हैं, फलाना लिखा रहे हैं। नहीं, नहीं, मुझे लगता है पैसे वगैरह तो कुछ भी कोई नहीं, कोई ना भाई। आपको मिलके कोई फायदा नहीं। अब के मैं हाजी लिखवाऊंगा। आप क्या लिखवाएंगे, उसने लिखवाना। हमारा दो दिन तीन दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है। ओहो क्या बात है। तो भाई 24 एक काम करते हैं, जरा आपकी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। 24 अप्रैल को ये अपनी बेगम को पहनाइए गजरे, लाइए घर में भी मैं पहनाता हूँ। बिल्कुल जबरदस्त, और कितने खूबसूरत हाथ हैं। सबसे पहले तो भाई हाथों पे फोकस करें, माशाल्लाह। कहते हैं कि जो हुस्न और नजाकत है औरत का, वो उसके खूबसूरत पांव और हाथों से होता है। और आप देखिए कितने प्यारे, ये चूड़ियां भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। मैं नहीं पहनूंगा। नहीं आप मत पहने, बिल्कुल आप गिफ्ट कर दें। थैंक यू भाई, आप बहुत शुक्रिया। जरा पहनाइए गजरे अपनी खूबसूरत सी वाइफ को। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह। ईद की खुशियाँ यही होती है, यही खूबसूरत ईद की प्यारी प्यारी सी खुशियाँ है। बाकी जो गजरे बच गए वो नूरे और जारा के लिए भी दे देंगे, उनको छोटे छोटे करके पहना दीजिएगा भाई। क्या बात है, तो यही प्यारी ईद की खुशियाँ है जिसके साथ हम आपके साथ मिलकर इन खुशियों को मना रहे हैं, इस प्यारी फैमिली के साथ मिलकर ईद की खुशियों को मना रहे हैं। अपने घर में एक जो सबसे बड़ा मसला हो गया, और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ हमने मुस्कुराना छोड़ दिया है। मुल्क के हालात भी बुरे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, वहाँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, लोग आपको प्यार से ग्रीट करते हैं। हमने भरोसा मुस्कुराना छोड़ दिया है। हाँ जी, बस परेशान रहते हैं, मुश्किलें इतनी पड़ गई। देखिए ईद पे आपके फैंस देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहे, कुछ कहना चाहे। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो है, खानदान को जोड़ के रखने के लिए आपको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये टॉलरेंस बिल्कुल है, जो कि अब बिल्कुल नहीं है, बर्दाश्त खत्म हो चुका है। आप ट्रैफिक देख लें, आप लोगों को देख लें, ये और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है। हाँ। हमारा मुल्क है तो हम सब हैं, हमें इज्जत देनी है। हमारी जो पाक अफवाज है वो उसने हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है, ठीक है ना, तो हमें उनको इज्जत देनी है। हमारी पुलिस है, हमारी जितनी एजेंसी, ये कितनी मेहनत करते हैं, हम आराम से सोते हैं ना, इनकी मेहनत की वजह से। तो खुदा रा उनको, इनके रोजे, इनकी ईदें सब सरहदों पे गुजरती हैं और हम यहाँ आराम से ऐश से बैठे होते हैं। जो नाराज होते हैं खानदान वाले, जो नाराज रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि सब एक दूसरे को मनाओ, मिलो। मेरा तो यही है कि मैं सब खुश रहो, सब खुश खुश रहो, मिलो एक दूसरे के साथ, और ये चार दिन की जिंदगी है। सबको बुलाएं घर पे और पंजाबी यकीन बुलाओ खिलाएं। हम भी बुलाएं, वो भी तो बुलाएं, वो भी तो बुलाएं यार। इतना मुझे तो बड़ा दुख होता है अगर मुझे कोई 5-6 लोग ईद पे ना बुलाएं, चाहे मुझे फिर चूज करना पड़े कि यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। आज रात को आज आपके घर जाने, मैं आ रही हूँ भाई, मुझे मिलना भी है ज़ारा से। मैं इंशाल्लाह ईद के तीसरे दिन यानी 2 दिन बाद मैं जा रही हूँ, तो बस फिर मेरा 1 हफ्ता वहाँ पर होगा, फिर वापस आऊंगी तो आपके लिए। आपने ज़ारा के लिए बहुत अच्छा सामान भेजा था, बहुत क्या बात है। वो बड़ी प्यार से चीजें चूज की थी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी चीजें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, आपके फैंस भी देख रहे हैं, जरा शहरोज उनको बता दें ईद का क्या पैगाम है, व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम। खुश रहें, ईद मनाएं और घर वालों के साथ मनाएं, और जो चीज़ें आपने अगर कुछ इस रमज़ान सीखा है सब्र के लिहाज से, शुक्र के लिहाज से, उसको कंटिन्यू रखें पूरे साल। और क्योंकि रमज़ान हम सबके लिए, हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, तो अगर हम उसको चांद रात के बाद भी कंटिन्यू रखें तो हमारे लिए अच्छा बिल्कुल। है। एंड बस मैं ये चाहता हूँ कि जब आप रोड पे कोई आपसे बड़ी उम्र का, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई आपको रोड पे अगर नज़र आए अगली गाड़ी में, या आपका किसी से इख्तलाफ हो जाए रोड पे, तो वहाँ पे आपने मुजाहरा करना है अच्छे इंसान होने का और बर्दाश्त का जिंदगी भर।
क्या बात है भाई, जबरदस्त सदफ। मैं चाहती हूँ आप अपने फैंस को मैसेज भी दें, और भाई जो खवातीन आज तैयार होने जा रही है उनको कोई ब्यूटी टिप भी दे दें भाई। ब्यूटी टिप इज वेरी इम्पोर्टेंट। मम्मा देंगी वो भी। हाँ, हाँ, वो भी। तो मैं अपने फैंस को बताना चाहती हूँ कि खुश रहें और पॉजिटिव रहें। कुछ लड़कियाँ बहुत सोशल मीडिया यूज करती हैं, और यू नो उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा स्मार्ट, मुझसे मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप कैसे पतली हो गई। हाँ, बिल्कुल, आई वांट एवरीवन टू टेल। हाँ, इतना ज्यादा पतले पे ना जाएं, नॉर्मल रहें, बॉडी पॉजिटिव रहे भाई। यस, हर हेल्दी रहें। यस, अपने उसमें जो अल्लाह ने दिया है वो बेस्ट है, यू नो। बिल्कुल, बेशक। ज्यादा ना सोचें, जो है उसमें खुश रहें। और सदफ भी कोई खास कुछ जैसे अभी बताया करती नहीं है, जो है अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह की तरफ से। आई थिंक अ हैप्पी वुमन इज अ प्रीटी वुमन। हाँ बिल्कुल, हैप्पीएस्ट वुमन इज द प्रीटीएस्ट। आप हैप्पी रहोगे वो अच्छा चेहरे पर दिखेगा, चेहरे पर दिखेगा भाई। आप भी जरा ब्यूटी टिप्स दे दें, पूरे पाकिस्तान की खवातीन ये जानना चाहती हैं। क्यों देख रहे हैं मेरे सब, पूरे पाकिस्तान की खवातीन जानना चाहती हैं इस ग्लोई स्किन का, प्यारे प्यारे बालों का राज, और आपके मुस्कुराते चेहरे का राज। ये तो दिल से आता है ना। देखिए, अगर आपका दिल अच्छा है और आप दूसरों के लिए दर्द रखते हैं, तो आपकी चमक तो वैसे ही चेहरे पे आ जाएगी। क्या मेरे लिए तो कोई, मैं तो निविया क्रीम के अलावा दिन कोई पूरे पाकिस्तान से स्टॉक आउट हो जाएगी। मैंने क्रीम नहीं यूज की, मैंने कोई चीज नहीं यूज की। अरे भाई, बचपन से हमारे यहाँ तिब्बत की क्रीम पड़ी होती थी। ये जो फजूल है कि ये लगा लें तो वो लगा लें, कुछ भी नहीं। आपका सफीना जी का नाइट टाइम रूटीन कोई नहीं है? कभी भी नहीं। क्या बात है, कुछ भी नहीं। मैंने अम्मा का नाइट टाइम रूटीन है ज़हरा के साथ खेलना। मैं थक जाती हूँ तो मेरे बच्चे चाहिए। अरे भाई, मुझे लगता है जब थक के सोएं और सुकून की नींद आ जाए, माशाल्लाह 2 मिनट में सो जाती है। हाँ, यही तो असल बात है। ग्लो इसे और मैं जागता रहता हूँ। आप खुश रहे ना, अभी आपको क्यों जरूरत थी कि दूसरों में कीड़े निकालने की। बड़ी नेमत है कि आपको नींद आ जाए, नींद सुकून की आ जाए। आपने किसी का कर्ज ना लिया हुआ हो और किसी के साथ बुरा ना किया हो और आपको सुकून की नींद आ जाए, मुझे लगता है इससे खूबसूरत बात कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग मेरे घर में आए, एक्सप्रेस के इस घर में, और अपनी खूबसूरती। माशाल्लाह कितना बड़ा घर है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। ये कितनी खूबसूरत है, यही मैंने कहा ना, हैप्पी वुमन इज अ प्रीटी वुमन। बिल्कुल ऐसा है, हैप्पी भी और दिल अच्छा है। जी, दिल अच्छा आपके चेहरे पे आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना ईद का दिन मेरे साथ शेयर किया। जाहिर है अब आपने घर जाके पंजाबी यखनी पुलाव बनाना है। आप साथ में जरा शीरखुरमे में हाथ बटा दें। हम महाजिर दाल भी बना लेंगे। महाजिर दाल जरा अपना भी कुछ निकालें। और अब जब कैमरा बंद होगा तो मैं यहाँ जाऊंगी ईदी लेने के लिए। और यहाँ भी जाऊंगी ईदी लेने के लिए भाई, अब्बा से भी और भाई से भी, दोनों से ईदी मिलनी चाहिए। तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल एक और ईद का शो उसके साथ भी आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हम सब की तरफ से ईद मुबारक।